तो वो अलग बात है। डीके सुकुमार संगठन के नेता हैं, बहुत कुशल संगठनकर्ता हैं, उन्होंने खून पसीना दिया है कांग्रेस को बनाने के लिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मुझे ये बताइए कि जो योगदान है दोनों लीडर्स का वो तो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन जो मेरा सवाल है अगर जो कोई भी फॉर्मूला जो पार्टी व्हाटएवर फॉर्मूला द पार्टी अराइव्स एट, सपोजिंग दैट फॉर्मूला इज नॉट एक्सेप्टेबल टू डीके शिवकुमार, जो कि खबरें आ रही हैं, डीके शिवकुमार जो सोर्स बेस्ड जो खबरें आ रही हैं वो यही कह रही हैं कि डीके शिवकुमार को अभी भी मुख्यमंत्री पद पर ही बने रहने की चाहत है और ही इज नॉट ट्राइंग टू बैक डाउन। तो अगर ऐसा होगा तो जो राजस्थान में जिस तरीके की हम चीजें देख रहे हैं कि क्या कर्नाटक में भी उस तरीके का एक रिपीट हम देखेंगे बिटवीन सिद्धरमैया एंड डीके शिवकुमार जी? नो आई डोंट थिंक सो नीलू जी, बिकॉज जो राजस्थान की जो सिचुएशन है, सचिन पायलट का जो मामला है वो डीके शिवकुमार से बिल्कुल अलग है। शिवकुमार सचिन पायलट नहीं है, सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटे हैं। राजेश पायलट का एक वर्ग विशेष में अपनी बहुत लोकप्रियता थी, वो लोकप्रियता उत्तराधिकार के रूप में सचिन पायलट को मिली है, वो उनका आधार है, उसी वही जो है वही उनका पुख्ता जो है वो जनाधार माना जाता है, उसी के बूते पर जो है वो आंखें दिखाते रहते हैं, और वो कांग्रेस पार्टी भी इस बात को जानती है। तो और वो इतने उद्विग्न भी नहीं है डीके शिवकुमार सचिन पायलट की तरह से, जो उन्हें मुख्यमंत्री आज ही बनना है, ऐसा भी नहीं है। तो सचिन पायलट और डीके शिवकुमार में बहुत अंतर है। सचिन डीके शिवकुमार तो है, जिस जमाने में सचिन पायलट के बीजेपी में जाने की खबरें उड़ रही थी उस दौर में तो अपने डीके शिवकुमार जी जेलों के चक्कर काट रहे थे या अदालतों के चक्कर काट रहे थे, उन पे भी बहुत ज्यादा दबाव था, वे उप मुख्यमंत्री तक बनाए जा सकते थे उस समय, लेकिन उन्होंने जेल में जाना पसंद किया, मुख्यमंत्री पसंद नहीं किया। लेकिन जो आज का जो सवाल है, हम आज के सवाल पर, आज का सवाल साफ है बिल्कुल। अगर डीके शिवकुमार ये समझते हैं कि उनकी सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से बहुत निकटता है, तो जाहिर तौर पर वे उनके कहे को भी ज्यादा वरीयता देंगे। और जहां तक खड़गे जी का सवाल है, तो खड़गे जी बेशक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मगर वो गांधी परिवार की छाया से नहीं उबर सकते, चाहकर भी नहीं उबर सकते, क्योंकि लोग नहीं चाहते। खड़गे जी चाहते हैं ऐसा नहीं है, इस देश के लोग नहीं चाहते। इस देश के लोग आज भी गांधी परिवार को ही कांग्रेस का असली कर्ता धरता और वारिस मानते हैं। लोगों में गांधी परिवार की लोकप्रियता है, तो उसमें खड़गे जी क्या कर लेंगे और ये डीके शिव कुमार या सिद्धरमैया जी क्या कर लेंगे? सिद्धरमैया जी को भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी के पास जाना पड़ेगा। सिद्धरमैया जी तो कांग्रेस ही 2005 में तब ज्वाइन की थी जब बेंगलोर में बहुत बड़ी विशाल जनसभा हुई और उसको सोनिया गांधी जी ने संबोधित किया, उसमें सिद्धरमैया जी आए थे जनता दल एस से कांग्रेस पार्टी में। तो सिद्धरमैया तो जानते हैं गांधी परिवार की महत्ता को, शिव कुमार जी भी जानते हैं, तो ये कोई अजूबा नहीं हुआ है। आप आगे भी ऐसा देखेंगे कांग्रेस में, ये कोई अजूबे वाली बात नहीं है। लेकिन आप अगर आज मीडिया ये सवाल खड़े कर रहा है कि कांग्रेस ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकती थी अपने आप को, ये बात जानते हुए और बीच चुनाव से ये बातें होने लगी थी कि भाई कांग्रेस हैज अ क्लियर एज, तो ये बात तो आलाकमान को पहले से पता थी कि अगर क्लियर एज है और अच्छे अगर नंबर्स आएंगे तो इस तरीके की बातें आएंगी और वो टफ वॉर जो डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच में दिख रही है वो तो होगी होगी। तो इस चीज के लिए क्या पार्टी अपने आप को पहले से प्रिपेयर नहीं कर सकती थी? एक सिंपल सवाल है कि क्या वुडंट द पार्टी हैव बीन एबल टू प्रिपेयर इटसेल्फ बेटर? देखिए, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में यही अंतर है कि कांग्रेस किसी भी नेता की महत्वाकांक्षाओं को वो रोकती नहीं है, जबरदस्ती लठ मार करके नहीं रोकती। वो इंदिरा गांधी का दौर चला गया, मैंने आपसे पहले निवेदन किया, अब ये बदली हुई कांग्रेस है, ये नेहरू वाली कांग्रेस की तरफ कांग्रेस पार्टी लौट रही है। तो ये ठीक है, अगर शिव कुमार जी की इच्छा है तो प्रकट करें सार्वजनिक रूप से, क्या दिक्कत है इसमें? लोगों को पता लगना चाहिए कि कांग्रेस में एक ही आदमी नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए, बीसियों पड़े हैं, डीके शिवकुमार भी है और जो दूसरे नेता कई के नाम चल रहे हैं वे भी हैं, योग्य हैं, और क्यों ना हो। अरे भाई, बाबू जगजीवन राम
जो प्रधानमंत्री बनते बनते कई बार रह गए, दो बार तो रह ही गए कम से कम, उनसे एक वाशिंगटन पोस्ट के करस्पोंडेंट ने पूछा, मिस्टर जगजीवन राम व्हाई इंडियन पॉलिटिशियंस आर सो पावर हंग्री, तो बाबू जगजीवन राम ने इसका क्या जवाब दिया, बोले मिस्टर सचिन सर जो भी उसका नाम था, द पॉलिटिशियन हु इज नॉट पावर हंग्री हैज नो बिजनेस टू बी इन पॉलिटिक्स। बोले हम पावर हंग्री हमें होना चाहिए, क्योंकि पावर हंग्री हो, पावर में जाने के बाद ही तो हमने जो हमारी जो परिकल्पना है देश को सुधारने की, समाज को सुधारने की, लोगों के विकास की, उसको हम लागू कर सकते हैं। पावर में बिना आए तो नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई एवरी लीडर शुड बी पावर हंग्री, एवरी पॉलिटिशियन शुड बी पावर हंग्री, नथिंग रॉन्ग इन इट इन डेमोक्रेसी। ये तो राजतंत्र में होता है, राजा का बेटा राजा, बिल्कुल, ये डेमोक्रेसी में नहीं होता है। तो बाबू जगजीवन राम ने यह जवाब दिया, तो नथिंग रॉन्ग इन डी के शिव कुमार अकॉर्डिंग टू सिद्धारमैया ऑल्सो, अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो ठीक है, अपना आज नहीं बने हैं, लोगों को पता तो है कि भाई ये काबिल नेता है, दूसरा ये खड़ा हुआ है, बिल्कुल, कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है। हाँ बिल्कुल सर। चलिए अब थोड़ी देर में हो सकता है कि आधिकारिक घोषणा हो जाए, जो शपथ ग्रहण का दिन है वो कल का बताया जा रहा है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं आया है, तो देखते हैं, हो सकता है देर शाम तक इसको लेकर आधिकारिक अनाउंसमेंट भी हो जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सिद्धरमैया और डी के शिव कुमार की टफ वॉर पब्लिक ग्लेयर में आई है, उससे एक बार फिर से साफ हो गया है कि कांग्रेस वाकई में एक ऐसी पार्टी है जहां पर जो सेकंड रंग लीडरशिप, यानी कि एक ही नेता वहां पर नहीं है, बल्कि कांग्रेस के हर राज्य में आपको एक से ज्यादा नेता मिलेंगे जो काफी दमखम वाले हैं, चीफ मिनिस्टरियल एस्पिरेंट्स भी हैं, तो एक तरीके से अच्छी बात है। लेकिन क्या पार्टी इसको और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती थी, इस पर आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस प्रोग्राम को यहाँ पर खत्म करते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच राकेश कपूर जी, आप इस समय हमारे साथ जुड़े, आपका फ्रेम भी फ्रीज हो गया है। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड टू क्यू वाइफ नेटवर्क। थैंक यू।